जीत की खुशी मनाई जा रही है, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है। जालंधर के हॉकी टीम के हीरो का बेहद ही शानदार स्वागत की तस्वीरें जो हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। भारत की हॉकी टीम के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर आज यानी कि रविवार को जालंधर पहुंचे। खिलाड़ियों के आदर में रोड शो निकाला गया, इसी के साथ ही इनका भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ी मनदीप, मनप्रीत, सुखजीत और हार्दिक जालंधर पहुंचे। यहां आने से पहले टीम अमृतसर एयरपोर्ट पर आई, जहां उनका ढोल ताशों के साथ स्वागत किया गया। जानकारी के अनुसार टीम के स्वागत के लिए शहरवासी बारिश की चिंता किए बिना ही भारी संख्या में पहुंचे। बता दें टीम के स्वागत के लिए मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और हरभजन सिंह ईटीओ भी आए। खिलाड़ी मिट्टापुर में पहुंचकर गुरुद्वारे में नतमस्तक होंगे, तो ऐसे में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर गुलदस्ता देकर, गले में हार पहनाकर, इसके साथ ही मुंह मीठा करवा कर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ी थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं और शहरवासियों की ओर से ढोल बजाकर उनका शानदार स्वागत किया जा रहा है। रोड शो आप देख पा रहे हैं और इसी के साथ ही मुंह मीठा कराकर उनका स्वागत किया जा रहा है। आप भी डालें इस पूरी वीडियो पर एक नजर। सर, आज अपने हॉकी खिलाड़ी जड़े कांसे पदक जीत के इंडिया जालंधर आए, की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਈਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ। सर, लगातार दूसरी बार जो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है टीम की तरफ से, हालांकि गोल्ड के लेके उम्मीद थी, फिर भी आपको लग रहा है कि आगे जो टीम और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है? बिल्कुल, जैसे इस बार हमारा यही टारगेट था कि पहले कि हम लोग गोल्ड जीते, बट हम लोग जिस हिसाब से हम लोग खेल रहे थे उस हिसाब से लग रहा था कि हम लोग फाइनल जरूर खेलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग सेमीफाइनल थोड़ा लूज किया, बट सेमीफाइनल भी हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला था, बट एक स्टेप क्लोज थे हम लोग, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग यही करेंगे कि हाँ, कि जो इस बार हम लोगों ने सीखा है वो आगे वाली जो गेम्स, कोई भी टूर्नामेंट आता है उसमें हम लोग अप्लाई करें कि ऐसा ना हो, और आगे वाली जो एलए ओलंपिक्स है उसमें हम लोग जरूर फाइनल और गोल्ड जरूर जीते। आपको एक नाम भी दिया गया और हरमन को भी, आपको सबका कैप्टन किया गया, उनको जो सरपंच कहा गया और आपको सबका सरपंच, दोनों की जोड़ी ने कमाल किया जो हाफ मिनट में जो पहला गोल किया था ब्रॉन्ज मेडल में। बिल्कुल सर, इसमें सभी पूरी टीम का, जैसे हरमन ने गोल किया, इसमें क्या होता है कि सर हॉकी एक टीम गेम है, इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसमें जैसे स्ट्राइकर से लेके गोलकीपर तक सभी ही अपना जो रोल है वो निभाते हैं, जो अगर स्ट्राइकर वो प्लैंटिंग ऑन जब फील्ड गोल करते हैं तभी सभी गोल करते हैं ना, तो इसमें उसके लिए हरमन और सभी जो टीम ने तो बहुत काम किया हुआ था कि हम लोग कैसे दूसरी टीम को गोल कर सकते हैं, तो वो सभी टीम का कंट्रीब्यूशन था, इसीलिए सभी टीम का जो सभी का कहना चाहूंगा कि थैंक यू था कि जिन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया इस मैचेस में। सुजीत जी, आपके कम से कम 2 से 3 प्लेयर तो आपको ही खेल लेते थे, टीम में जाने नहीं देते थे, तो ऐसे में कैसे मैनेज करना पड़ा? बिल्कुल, क्योंकि हर एक टीम ओपोनेंट को रीड कर कर आती है, जैसे हम भी, जैसे जर्मनी होगी जिसके हमारा ऑपोजिट मैच होता है, हम उनको रीड करते हैं कि वो टीम, मतलब वो प्लेयर क्या अच्छा करता है, मतलब ऐसे हर एक टीम रीड कर कर आती है, तो अच्छा प्रदर्शन रहा वहाँ पर और हम कंट्री के लिए मेडल लेकर आए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी वाला दिन है। बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा, जो सोचा सीगा मेरे डैडी, मेरे घर का ड्रीम सीगा कि मैं ओलंपिक दे विच जावां ते कंट्री लिए मेडल लेके आवां, ते अज मेरा वो मेरे फैमिली दा देश दा ड्रीम पूरा कीता। मतलब वो तो कम हुए लेकिन प्रयास पूरे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आगे से जो टीम में काफी परफॉर्मेंस आई है, क्योंकि एक पुराने खिलाड़ियों का जो एक्सपीरियंस है और नए खिलाड़ियों का जो जज्बा है? बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बैक टू बैक जो मेडल आया बहुत प्राउड फील करता हूँ, और बिल्कुल जैसे आपने बोला है कि हमारा मेन मकसद यही था कि जब भी मैच बाय मैच जाना है तो जो आउटकम है वो हमें निकालना है, अगर गोल नहीं भी हो रहे हैं तो पीसी निकाल रहे हैं, हमें पता है हमारा पीसी अच्छा है, तो वही हम पीसी निकाल रहे थे, तो हरमन हो गया या सर जो भी ड्राइवली सारे गोल कर रहे थे, वो हमारा मेन यही था। जो टॉप ब्रिटेन के साथ मैच हुआ था जिसमें रेड कार्ड दे दिया, एक खिलाड़ी बाहर कर दिया, उसके बाद लग नहीं रहा था कहीं ना कहीं जो रेफरी भी थे वो दूसरी टीम की सपोर्ट करते नजर आ रहे थे? देखो, ये तो नहीं मैं बोल सकता, बट स्टिल जो रेड कार्ड दिया गया था वो आई थिंक गलत भी हो सकता है, बट उसके लिए हम खेले थे जिसको रेड कार्ड हुआ था, बट वो एक रिकॉर्ड ही हमने बना दिया 43 मिनट
जो एक लेस मैन से खेले। ठीक है।